तो फिर गाइस एज यू नो आपको पता है कि बिग बॉस OTT 3 के घर से बाहर हो चुके हैं लव केस कटारिया। इस पे एलिस के साथ आपका क्या रिएक्ट आया एंड उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, आपको सारी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फिर सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, लव कटारिया के निकलने से बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ हैं। उसमें से एक हैं उनके अर्चित भाई, मतलब जो अर्चित जो उनके दोस्त हैं अर्चित और लक्ष्य, दोनों के दोनों ने बहुत मेहनत करी थी, दिन रात वीडियो बनाते थे, हर एक चीज़ मतलब हर तरीके से। तो फिर यहाँ पे अर्चित का भी एक रिएक्शन आया जिसमें उन्होंने एक जूते की फ़ोटो लगा रखी है और उसके साथ साथ आँख, मतलब आप समझ ही गए हो बिग बॉस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जो कि अर्चित उनके मतलब वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, पूरे इंस्टा उनका वही संभाल लेते हैं, लाइव भी वही जा रहे थे, हर एक चीज़ मतलब ओवरऑल बैकग्राउंड से वही चीज़ें संभाल लेते हैं, ब्लॉग से लेकर यूट्यूब चैनल। एंड उसके साथ साथ अगर हम बात करें भाई जियो सिनेमा के कमेंट सेक्शन में किसी भी पोस्ट पे आप चले जाओ, लोग ऐसे ऐसे गालियाँ बक रहे हैं भाई, ऐसे ऐसे उनको ट्रोल कर रहे हैं, जियो सिनेमा को अनफॉलो करो, बायकॉट करो, ये करो वो करो। अब आते हैं मेन एलविस यादव भाई के रिएक्शन पे। एलविस यादव भाई ने रिएक्ट करा है जिसमें कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे, इंस्टा हैंडल पे, दोनों पे एक ही बात लिखी है कि भाई वोट से नहीं निकाल पाए क्या, एलविस आर्मी की टक्कर नहीं है क्या, मतलब वोटिंग अगर होती तो हमारी टक्कर कोई ले नहीं पाता, क्योंकि सच में कटारिया से ज़्यादा टॉप पे कोई भी नहीं चल रहा था वोटिंग पे। अभी तक कटारिया ना एलिमिनेट हुए थे ना कुछ हुए थे, तो फिर कटारिया से टॉप पे कोई नहीं चल रहा था। अगर हम बात करें एक और चीज़ की ट्विटर की भाई, ट्विटर के top 3 ट्रेंड जो चल रहे हैं वो यही चल रहे हैं, बिग बॉस को बाइकआउट करो, बिग बॉस का विनर जो है लव केस कटारिया है, अनफेयर डिसीजन, ऐसे ऐसे मतलब हर जगह पूरे ट्रेंड में यही बात चल रही है। और आने वाले अपडेट में कुछ भी अगर एलविस यादव की तरफ से अपडेट आते हैं या फिर किसी की तरफ से कोई बड़ी न्यूज़ आते हैं जो मैं जरूर कवर अप करूंगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।